हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस। ऑफ कोर्स आपके घर में भी फ्राइड राइस बनता होगा। सबका घर का अलग रेसिपी होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरा देख के बनाओ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँ। मैं कैसे बनाती हूँ ये आपको मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप अच्छा इसको बारीक से चॉप करेंगे, क्योंकि मस्त फ्लेवर आएगा। तो मैं यहाँ पर ले चुकी हूँ प्याज, टमाटर, और इसको मैंने बहुत पतला पतला स्लाइस किया है, पत्ता गोभी को, और आलू ले। आलू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने आलू लिया। और आप कितना चाहिए मिर्ची अब उतना ले लेना, मैं पाँच ली हूँ। और इसको मैं स्लाइस में कट करके डालूंगी। पहले हम लोग डाल लेंगे तेल। चलिए, गरम भी हो गया। मैंने पहले कढ़ाई इसको ये कर लिया, और मैंने थोड़ा बड़ा कढ़ाई लिया क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने अभी तक खाना नहीं खाया है। सोचिए, अभी तक उन्होंने खाना नहीं खाया। मैं सोची चलो फ्राइड राइस बना देती हूँ, खा भी लेंगे अच्छे से। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा पैन चिली, बहुत हम झारखंडी वाले लोग ना बहुत हर चीज में आलू डालते हैं। मैगी में आलू हो गया, पास्ता में आलू हो गया, आपका फिर चाउमीन में आलू हो गया, ऐसे हर चीज में हम लोग आलू डालना पसंद करते हैं, क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेना चावल जितना आपके घर में है, मेरे घर में कुछ ज्यादा क्वान्टिटी में चावल है। और जिसको जिसको एग पसंद है वो एग भी डाल सकते हैं। मैं एग डालने वाली हूँ, अंडा डालने वाली हूँ। करके डालेंगे कैबेज भी डालेंगे और तीन टमाटर भी डालेंगे, तो वो अच्छे से गल जाए। आप लोगों को बता दूं, मैं कोई मास्टर शेफ नहीं हूँ, मैं गलती कर करके सीखा है मैंने, और तब मैं बता रही हूँ आपको बनाना बनाऊ। मैं कोई मास्टर शेफ नहीं हूँ कि हाँ मैं बहुत परफेक्ट बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। ये अच्छा से तेल छोड़ रहा है। इसको ज्यादा भुजी नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा सबको ये करना है, मतलब अच्छा लगेगा। इसको भुजी नहीं बनाना हम लोग। मुझे लग रहा है कि नमक का कम पड़ेगा, तो मैं और थोड़ा नमक डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा आप मटन मसाला, चिकन मसाला जो डालना है वो आप थोड़ा सा डाल दीजिए। मैंने अभी राइस डाल दी है, अब मैं सोया सॉस डाल दूंगी इसके ऊपर। इसमें किसी टाइम में विनेगर डाल दूंगी। इसमें धनिया के बिना कम्प्लीट है।
जा रही हूँ अपने मम्मी पापा को उसे खिलाने के लिए। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।